Hi guys, welcome to Maharashtra NCACET 2024 preparation video. In this video, we look at everything about NCACET examination. Okay, so what are the important dates, eligibility, paper pattern, selection process, cutoff, what are the syllabus which we should prepare, top colleges, admission process kya rahega, capron kya rahega aapka after the examination, everything we look at. Okay, so 24 ke liye jitne log target kar rahe ho, so do watch this video very carefully and share this video to all your friends, those who are targeting for the tops MCA colleges in Maharashtra. Okay, so this video will be little lengthy also, so agar kuch nahi samjhega to rewind karke wapas dekh lena, because complete information main dene wala hu is video mein. Okay, so target wise if I talk about 130 plus ka score aap leke chalo out of 200, agar aap 130 plus ka score leke aate ho 99.9x percentile aapka rahega exam mein, and definitely you will get the admission इन टॉप एम सी ए कॉलेजेस. ठीक है, सो एवरी ईयर कट ऑफ वेरीज, कितने लोग एग्जाम लिख रहे हैं और उस साल का पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या है. ठीक है, बट आइडियल स्कोर टारगेट हैज टू बी 130 प्लस, दैट इज अ डिसेंट स्कोर. ओके, सो आई होप मेनी ऑफ यू हैव स्टार्टेड योर 24 प्रिपरेशन, बट इफ यू हैव नॉट येट स्टार्टेड यू कैन ज्वाइन आवर बैचेस, बट दोज हैव नॉट येट स्टार्टेड यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन, यू कैन ज्वाइन अस, यू कैन ज्वाइन अस फॉर द लाइव क्लास एंड द क्लासरूम. सो ऑनलाइन के लिए यू कैन कॉन्टेक्ट आवर टीम ऑन दिस नंबर, बट फॉर द क्लासरूम इफ यू आर मुंबई बेस्ड, दादर बोरीवली वसई यू कैन विजिट, दिस आर द कंप्लीट करिकुलम विच यू विल बी गेटिंग फॉर योर प्रिपरेशन. सो मेक श्योर यू शुड एंड अप विद द टॉप एम सी ए कॉलेजेस इन महाराष्ट्र. ठीक है, सो एंड द ओनली गेटवे फॉर दिस इज नथिंग बट सीईटी स्कोर. सीईटी में स्कोर अपना अच्छा आ रहा है, डेफिनेटली वी विल गेट कॉल फ्रॉम ऑल द कॉलेजेस. नेक्स्ट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. सो फर्स्ट एजुकेशन वाइज देख लेते हैं. एजुकेशन वाइज 50% मिनिमम रिक्वायर्ड अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो. अगर आप कैटेगरी में आते हो तो 45% मार्क्स रिक्वायर्ड है आपके ग्रेजुएशन में. ठीक है, सो यू शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया और आपका ग्रेजुएशन में जो मार्क्स होना चाहिए परसेंटेज वो ये रहना चाहिए. दूसरा, यू शुड हैव अ मैथ्स एज अ वन सब्जेक्ट 10+2 लेवल और एट द ग्रेजुएशन लेवल. ठीक है, कैंडिडेट जितने भी फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हो, जितने लोग का एग्जाम 24 अप्रैल मई में जो भी आपका ग्रेजुएशन का एग्जाम होने वाला है, अगर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो, अपीयरिंग हो, तो भी आप ये एग्जाम के लिए जा सकते हो. यू कैन फिल द फॉर्म. ओके, देयर इज नो एज बार एज सच, तो एज को लेकर कोई टेंशन नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट इज पेपर पैटर्न. वेरी फर्स्ट, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. काफी लोगों का ये डाउट रहता है कि नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है. सो देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. ओवरऑल 100 क्वेश्चन आएंगे, 90 मिनट्स में सॉल्व करना है. ऑनलाइन कंप्यूटर बेस आपका एग्जाम होगा. क्वेश्चन राइट हुआ तो +2 और रॉन्ग हुआ तो 0 मार्क्स. ठीक है, मैथमेटिक्स 36, 30 क्वेश्चन इंटू 2, 60 मार्क्स के लिए पर क्वेश्चन, 2 मार्क्स के लिए. 30 क्वेश्चन लॉजिक एंड एब्स्ट्रैक्ट इंटू 2, 60 मार्क्स. इंग्लिश 20 क्वेश्चन इंटू 2, 40 मार्क्स. कंप्यूटर 20 क्वेश्चन इंटू 2, 40 मार्क्स. ओवरऑल 100 क्वेश्चन फॉर 200 मार्क्स, जो आपको 90 मिनट्स में कवर करना है. ठीक है, नेक्स्ट इज अबाउट दिस सिलेबस. सो सबसे पहले मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स देखते हैं. जितने लोग का मैथ्स वीक है, सबसे पहले आपके कैलकुलेशन पे काम करो और कंसेप्ट पे काम करो. ये दो एरिया पहले इंटैक्ट करो 24 का अगर एग्जाम निकालना है एनसीईआरटी का. सो ये आपका डिटेल सिलेबस, अरिथमेटिक, अल्जेब्रा, डिफरेंशियल इक्वेशन, देन योर मॉडर्न मैथ्स, ज्योमेट्री, मेंस्ट्रुएशन एंड ट्रिगो. ठीक है, सो मैक्सिमम स्टूडेंट हैव अ फियर फ्रॉम द मैथ्स. जितने लोग का मैथ्स वीक है या काफ़ी टाइम से मैथ्स से कनेक्टेड नहीं हो, ये दो चीज़ों पे काम करो, बेसिक कैलकुलेशन एंड कंसेप्ट. उसके बाद प्रैक्टिसिंग दी क्वेश्चन और टेस्ट, टॉपिक टेस्ट. सो आपके मेनुअल के पोर्टल पे सारे वीडियोस, सारे हैंडआउट, सारे टेस्ट सीरीज दिए हुए हैं इफ़ यू हैव ज्वाइन मेनुअल लाइव क्लास और द क्लासरूम. ठीक है, और ये सारे टॉपिक अपने को प्रिपेयर करने हैं. सो डे वन से चालू हो जाओ. मैथ्स में सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड है वो है प्रैक्टिस. जितना आप पेन घसोगे, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, उतना आप बेटर होगे मैथ्स में. ठीक है, नेक्स्ट इज इंग्लिश. इंग्लिश को लेकर के आपको ग्रामर, वोकैब एंड कॉम्प्रिहेंशन पे काम करना है. तो सबसे पहले तो न्यूज़ पेपर रीडिंग चालू कर दो, सो दैट अपना रीडिंग स्पीड एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल दोनों डेवलप हो. ठीक है, सो ये सारे टॉपिक वोकैब, ये ग्रामर के और ये कॉम्प्रिहेंशन के. ठीक है, वोकैब को लेकर मैंने बुक भी एक रिकमेंड की थी सबको, वर्ड पावर मेड इजी, रेड कलर की बुक. ठीक है, इसको कैसे करना है, उसकी स्ट्रैटेजी एंड एवरीथिंग आई विल बी डिस्कसिंग इन द क्लास. ठीक है, और मैंने पहले भी बताया हुआ है कैसे इसको प्रिपेयर करना है, बट हाँ ये इंपॉर्टेंट है. 20 क्वेश्चन आएंगे इंटू 240 मार्क्स के लिए, तो इसको लाइटली नहीं लेना है, प्रिपेयर करना है. ओके, आफ्टर देन कम लॉजिकल रीजनिंग. तीन टाइप के लॉजिक आएंगे. फर्स्ट इज अ ट्रेडिशनल लॉजिक, उसके बाद वर्बल क्रिटिकल, फिर एनालिटिकल लॉजिक. ठीक है, ट्रेडिशनल लॉजिक को लेके ये सारे टॉपिक रहेंगे. इसको लेके आपको शॉर्टकट पता होना चाहिए,
वर्बल एंड क्रिटिकल को लेके आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए और एनालिटिकल को लेके अप्रोच, ठीक है। तो ये तीन टाइप के लॉजिक आपको प्रिपेयर करने हैं और ये स्कोरिंग सेक्शन भी है आपके एनसीईआरटी एग्जाम में। एंड लास्टली कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, ये सारे टॉपिक अपने को कंप्यूटर कॉन्सेप्ट को लेकर प्रिपेयर करने हैं। इसको लेकर हैंड आउट्स एंड वीडियोज और आपके जो लेक्चर्स होंगे दैट इज सफिशेंट। सो ये आपका कंप्लीट सिलेबस है चारों सेक्शन को लेकर के, मैथ्स, लॉजिक, इंग्लिश एंड कंप्यूटर। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सपेक्टेड कट ऑफ एंड कॉम्पिटिशन। रफली 45,000 के आसपास लोग रजिस्टर करते हैं एग्जाम को लेकर के, 24 में इट कुड रीच 50,000 और सीट्स कम है, ठीक है। ये आपके टॉप कॉलेजेस हैं, ओके, काइंडली गो थ्रू कॉलेजेस और ये आपका रिक्वायर्ड परसेंटाइल है। सो एज आई मेंशन 130 प्लस का स्कोर लेके आते हो आउट ऑफ 200 तो आप सेफर साइड हो। सो इफ आर मुंबई बेस्ड विजिट टीआई, एसपीआईटी आपका टारगेट है, पुणे में हो तो एसपीपी हो गया आपका, अभी विवेकानंद है आपका, देन वीआईटी पुणे इज देयर आपका, मुंबई में विवेकानंद इज देयर एंड देयर आर अदर कॉलेजेस एसआईएस एंड ऑल, ठीक है। काइंडली गो थ्रू ऑल दी कॉलेजेस एंड ये आपके अदर टॉप कॉलेजेस की लिस्ट है। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड गो थ्रू ऑल दिस डेटा। सेलेक्शन प्रोसेस वाइज, एक तो आपको एनसीईआरटी का एग्जाम लिखना है, दिस इज द वन। दूसरा आपको एग्जाम के रिजल्ट आने के बाद कैप राउंड सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस के लिए जाना है, जिसके अंदर आपको ये सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं। सो ये एग्जाम के बाद वाला प्रोसेस है, अभी के लिए इसको लेके नो नीड टू वरी, अभी के लिए आपकी प्रिपरेशन पे ध्यान दो, अच्छा स्कोर लाने पे ध्यान दो, ओके। बाकी कैप राउंड को लेके वी विल बी गाइडिंग यू फर्दर आफ्टर द रिजल्ट। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, आई होप यू गॉट द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन विद रिगार्ड्स टू एनसीईआरटी। And if you are preparing for 24-25, you can join the batches like classical, you can contact on this number. But if you are Mumbai based, you can contact our counselor Borivali, Vasai and Dadar. All the information I have mentioned in the description, do check the description. And do subscribe to our NCA entrance channel, where you will get safe and safe NCA specific videos. Okay? So subscribe to this channel, Facebook, Insta, Telegram, connect with us, you will exam update, notification and lots of information will be getting. So all the details, again, I have mentioned in the description. Do check it. Prepare well. All the best. Thank you.